friends assalamu alaikum in this video i am going to talk about the plasma membrane so i will provide the information regarding the plasma membrane what plasma membrane actually is and uh, what is the function of plasma membrane and how many models so far as a plasma membrane is concerned uh, given by different scientists to describe it differently so, let us begin the topic. As far as this plasma membrane is concerned, it is the outermost covering in case of animal cells, but in case of plant cells, uh, it is the second covering that means it is externally covered by the cell wall. Plasma membrane ka ekur name that is called a plasma plasma lemma or it is also called the cell membrane plasma lemma or cell membrane it is called the selectively permeable membrane it is called selectively permeable membrane means ये सिलेक्ट करता है दोज़ आयंस या दोज मटेरियल्स को जो सेल के लिए बेनिफिशियल होती है और सेल के अंदर जो सेलुलर वेस्ट बनते हैं उनको गेट रेड करने के लिए यानी कि उनको एक्सटर्नल मीडियम में लाने के लिए मदद करता है दैट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसके बारे में एक और बात वो ये है कि ये कवर करता है एक तो सेल को और सेल ऑर्गनलीज को एक तो सेल को कवर करता है और एक सेल ऑर्गनलीज को भी ये कवर करता है और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू काइंड ऑफ द सेल्स दैट इज द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गनलीज फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट ये जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर सेल ऑर्गेनलीज मगर प्लांट्स में कुछ सेल ऑर्गेनलीज पाए जाते हैं जो कि एनिमल्स में नहीं पाए जाते हैं और एनिमल्स में कुछ ऑर्गेनलीज एक्स्ट्रा पाए जाते हैं जो प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं सो देयर इज ए डिफरेंस इन केस ऑफ प्लांट्स Plants have cell wall, yadrakna, sephirozoomes, and in case of plants, there is cell wall and there is zoom and in case of animals, there is centriole, means centrioles, which हेल्पस इन सेल डिविजन एंड एनिमल्स ऑल्सो कंटेन बेजल बॉडी बेसल बॉडी पाया जाती है एनिमल सेल्स में और एनिमल सेल्स में पाया जाता है फ्लैजिला फ्लैश लाइक स्ट्रक्चर जो इनको लोको मोशन में मदद करता है याद रखना प्लांट्स ने कुछ यूनिक फीचर्स है इन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इन प्रेजेंस ऑफ सुफेरियोजोम्स

बट सेंट्र बेसल बॉडी एंड फ्लैजूल फाउंड इन केस ऑफ एनिमल सेल एबसेंट इन द प्लांट्स माइटोकॉन्ड्रेट दोनों में पाया जाता है गोल्गे एपरेट्स दोनों में पाया जाता है एंडोपलाज रेटिकुलम दोनों में पाया जाता है वैक्यूल भी दोनों में पाए जाते हैं एक और बात यहाँ पे याद रखना वो ये है कि ये जो न्यूक्लियस होता है बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स इट कंटेनज़ क्रोमेटिन मेटीरियल क्रोमैटिन मटेरियल पाया जाता है इनमें दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए डीएनए की शक्ल में फिर से बताएंगे प्लांट्स और एनिमल्स में न्यूक्लियस भी पाया जाता है और इस न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल या डीएनए पाया जाता है दैट द हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो पास ऑन होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन या फ्रॉम सेल टू सेल आई थिंक यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने ये बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेटर्स दे एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनवायरनमेंट ऑफ द सेल टू दैट ऑफ इंटरनल एनवाट यहाँ पे डायाग्रामेटिकली में दिखाऊंगा सपोज दिस इज दैल दिस इज दिस इज द एक्सटर्नल एनवायर्मेंट ऑफ द सेल विच आई मैंशन विद द हेल्प ऑफ डॉटिड स्ट्रक्चर्स

और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन एज वेल और जो यहाँ पे सेलुलर वेस्ट बनते हैं वो सेल के बाहर निकलते हैं द कम्पोजन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंट एंड वेन वी टॉक अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा और द सेल मेम्ब्रेन डिफरेंट साइंटिस्ट गिवन डिफरेंट मॉडल्स टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो पहला जो मॉडल है वो यहाँ पे दो साइंटिस्ट्स ने दिया था उनका नाम है डेनियल एंड डेवसन 1935 में इन्होंने मॉडल दिया इसका एक और नाम है ट्राई लैमिनर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको एक और नाम से भी जानते हैं सैंडविच मॉडल सैंडविच मॉडल याद रखना बेटा इस डैनियल और डेवसन के मॉडल के हिसाब से इन्होंने बोला कि देयर इज अ फास्ट फो लिपिड एंड ऑन दे ऑन ईदर फो लिपिड बाइलेयर देयर आर टू प्रोटीन लेयर्स मींस इफ वी टॉक अबाउट द फास्ट फो लिपिड बाइलेयर मीन्स इन्होंने बोला कि लिपिड बायो होती है जस्ट लाइक दिस ये एक लिपिड लेयर है और ये दूसरी लिपिड लेयर है दिस इज कॉल्ड फास्ट फोर लिपिड ऑन ईदर साइड देयर इज अ प्रोटीन लेयर ग्लोबुलर प्रोटीन लेयर आई विल मेंशन विद द हेल्प ऑफ अनदर मार्कर लाइक इट हैज प्रोटीन लेयर ऑन दिस साइड दैट मीन्स एक्सटीरियर ऑफ द सेल एंड इंटीरियर ऑफ द सेल देयर इज अनदर प्रोटीन लेयर तो याद रखना इसको बोलते हैं फास्ट फूड लिपिड बाय लेयर दिस इज द प्रोटीन लेयर एंड दिस इज अनदर प्रोटीन लेयर याद रखना फिर से बताऊंगा फॉस्फोलिपिड बायलेयर जो है उसके बाहर से भी प्रोटीन लेयर पाए जाती हैं और उसके अंदर से भी प्रोटीन लेयर पाए जाती हैं। तो बन गए तीन लेयर्स। इसीलिए इसको बोलते हैं सैंडविच मॉडल भी सैंडविच मॉडल का मतलब यह है कि हम लिख सकते हैं प्रोटीन बाहर से अंदर से लिपिड की एक लेयर अंदर से लिपिड की दूसरी लेयर और इनर मोस्ट साइड से प्रोटीन की एक और लेयर इसको बोलते हैं पी एल एल पी पी एल पी मतलब प्रोटीन लिपिड प्रोटीन इट्स कॉल्ड द सैंडविच मॉडल इसको बोलते हैं ट्राई लेमिनल मीनज देयर आर थ्री लेयर्स वन इज द प्रोटीन लेयर एंड अनदर द फॉस्फोलिपिड बाई एंड थर्ड वन इज द प्रोटीन लेयर आई थिंक यू गॉट द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेनियल मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन Called the trilaminar model or sandwich model. Another model of plasma membrane given by Robertson. So second model, a Robertsonian model of plasma membrane. It's also called unit membrane model. ये इसने दिया 1939 में याद रखना एज़ फार एज दिस मॉडल इज़ कंसर्न इट ऑल्सो सेज दैट देयर इज़ ए लिपिड लेयर इन द फॉर्म ऑफ फास्ट फूड लिपिड बाई लेर उसके बाहर भी प्रोटीन लेयर पाई जाती है और इसके अंदर भी प्रोटीन लेयर पाए जाते हैं गुलाब्यूलर प्रोटीन की शक्ल में पर इसके हिसाब से इसने स्टडी किया मेम्ब्रेन ऑफ द आर बी सीज और आर बी सीज एज पर योर एन सी आर टी वहाँ पर प्रोटीन कंटेंट बताया गया और वहाँ पर लिपिड कंटेंट बताया बताया गया रॉबोट मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसके बारे में बात करते हैं इसके हिसाब से यहाँ पर फॉस्फोलिपिड फो होती है उसके बाहर से प्रोटीन लेयर और उसके अंदर से प्रोटीन लेयर ग्लोबुलर प्रोटीन की शक्ल में मगर इसने आर को यानी कि स्टडी किया हुआ है आर के बारे में कुछ बताएंगे आर बी सीज दे आर कॉल्ड द रेड ब्लड सेल्स और ये होते हैं रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एच बी दैट कॉल्ड हीमोग्लोबिन और इसकी शेप जो है ह्यूमन बींग्स में इसकी शेप बाई के होती है सर्कुलर नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द आरबीसी स्टडी द आरबीसी एंड ही सेज दैट देयर इज अ फास्ट बाइलेयर ऑन ईदर साइड ऑफ द फास्ट बाइलेयर देयर आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स लाइक दिस एंड द फॉर लिपिड बाइलेयर दिस फॉस्ट फोलिपिड वेन वी विजुअलाइज इट हेयर इट कंटेन्स हेड एंड इट हैज टू टेल्स इसके बेटा दो टेल्स होते हैं और इसका हेड होता है हेड को बोलते हैं हाइड्रो हाइड्रोफिलिक यानी कि यह हाइड्रोफिलिक नेचर होता है इसका और टेल्स का होता है हाइड्रोफोबिक 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 नेचर ऑफ टेल्स एंड हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ हेड और ये जो टेल्स है इसको हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं सो दे आर लिपोफिलिक मीन्स हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग ये वाटर लविंग होता है और ये वाटर रिपेलिंग होता है इसको एक और नाम से जानते हैं लिपोफिलिक मींस लिपिड लविंग याद रखना बेटा इसका अरेंजमेंट ऐसा होता है कि उनके दो फॉस्फोलिपिड्स के टेल्स एक दूसरे के नज़दीक होते हैं और हेड्स जो है वो दूर दूर होते हैं यानी कि एक दे आर प्लेसड अवे फ्राम ईच अदर एंड देयर टेल्स आर प्लेसड वी के से फेसड विद ईच अदर इसलिए क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है ये कि ये वाटर से प्यार नहीं करते हैं ये लिपोफिलिक होते हैं ये एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये हेड्स जो है वो प्रोटीन्स के ओर होते हैं क्योंकि प्रोटीन्स हैव हाइड्रोफिलिक नेचर तो याद रखना इसका अरेंजमेंट ऐसा है मगर इसने आर बी को किया है तो इसने बोला कि ये जो मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस 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 ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ सेवेंटी फाइव एंगेस्ट्राम टू वन हंड्रेड एंगस्ट्राम एंड एज पर हिम प्रोटीन लेयर्स ये कि दोनों को मिला के उनकी थिकनेस होती है ट्वेंटी एंगस्ट्रॉम टू थर्टी एंगस्ट्रॉम और लिपिड्स की थिकनेस लिपिड बायलेयर इसकी थिकनेस इसके हिसाब से थर्टी फाइव एंगेस्ट्राम टू फोर्टी एंगस्ट्रॉम याद रखना बेटा मैं यहां पे बताऊंगा फिर से वेन वी टॉक अबाउट द प्रोटीन लेयर हेयर एंड रेस्ट ऑफ द बुकस सेज दैट इट थिकनेस 75 एंगस्ट्रॉम अगर हम सेवेंटी फाइव लेंगे तो इसके हिसाब से इस प्रोटीन लेयर की थिकनेस है ट्वेंटी एंगस्ट्रॉम इस प्रोटीन की लेयर है ट्वेंटी एंगस्ट्रॉम और इस फॉस्फोलिपिड लिपिड की जो थिकनेस है इसकी थिकनेस है थर्टी फाइव विल टेल

लेयर्स पाए जाते हैं जो कि सैंडविच मॉडल ने बताया था मगर इसने आर को यहाँ पे डिस्कस किया और इसके हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है वो सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड एंगस्ट्राम होती है अगर हम सेवेंटी फाइव एंगस्ट्राम लेते हैं तो प्रोटीन लेयर्स की ट्वेंटी एंगस्ट्राम ऑन द एक्सटर्नल साइड इंटीरियरली ट्वेंटी एंगस्ट्राम एज वेल ट्वेंटी ट्वेंटी बिकम्स फोटी एंड प्लस थर्टी फाइव एंगस्ट्राम फॉसफोलिपिड बॉयलर की थिकनेस होती है तो इसका मतलब होता है टोटल में 75 फाइव इस एंगस्ट्राम इसको बोलते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल इसलिए क्योंकि इसके हिसाब से कम्पोजिशन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सेल के बाहर होती है इसी तरह से कम्पोजिशन या थिकनेस के बारे में जब हम बात करते हैं इंटरनल ऑर्गन ऑर्गन जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रैक की माइटोकॉन्ड्रेक का मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट का मेम्ब्रेन या कोई और मेम्ब्रेन लेंगे उसकी थिकनेस भी एक जैसी है That is why it is called the unit membrane model, which was given by the Robertson, also called the Robertsonian model. I think you got the information. Fluid mosaic model of plasma, Fluid mosaic model of plasma membrane. फ्लुइड मोज एक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में और इस मॉडल के हिसाब से ये पॉपुलर मॉडल है पॉपुलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वीके से एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनके कहने के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज फ्लूडी नेचर इट हैज़ फ्लूडी नेचर मीन्स एक्चुअली इट इज क्यू यू एस इट इज कॉसी फ्लूइडी मीन्स plasma membrane is fluid in nature it is not solid structure and mosaic means mosaic means there are different kinds of the materials which are found in the plasma membrane just like mosaic means combination of combination of फास्फोलिपिड मीन्स लिपिड फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड्स फास्फोलिपिड्स की कम्पोजन प्लस प्रोटीन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स कार्बो प्लस सिटीरॉल इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल याद रखना ये सारी चीज़ें जो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसकी शेप जैसे लाइक मोजी एक होती है यानी कि बहुत सारी चीज़ों का या डिफरेंट चीज़ों का एग्रीगेशन मोजेक कहलाता है आई थिंक यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन एंड एज़ फार एज दिस मॉडल इज़ कंसर्न प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूड मोजेक मॉडल है इसमें पाया जाता है प्रोटीन्स इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं दो प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं वन इज कॉल्ड द इंटेग्रल इसको इंट्रेंजिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं एक का नाम है ए पेरिफेरल इसको बोलते हैं एक्सट्रेंजिक याद रखना प्रोटीन्स इंटीग्रल इंट्रेंजिक की शक्ल में पाए जाते हैं पेरिफेरल और एक्सट्रेंजिक प्रोटीन्स की शक्ल में पाए जाते हैं तो यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन करना ज़रूरी है लिपिड्स पाए जाते हैं लिपिड्स फॉस्फो लिपिड की शक्ल में फास्फोलिपिड्स की शक्ल में लिपिड्स पाए जाते हैं और फास्फोलिपिड क्या है एक्चुअली फास्फोलिपिड्स में याद रखना एक तो ग्लिसरॉल आता है एक आता है टू फैटी एसिड्स एक आता है फास्फेट और फास्फिड के साथ कोलिन अटैच होता है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है आपका फास्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड पाया जाता है और यहाँ पे कार्ब्स पाए जाते हैं, हैं। इन द ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइको प्रोटीन्स प्लस सिटी जो मैंने यहाँ पे लिखा है सिटी इन द फार्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल ये कोलेस्ट्रॉल एक्ट करता है बफर ये अभी जाके मैं बताऊँगा आप लोगों को बफर क्या होता है मुझे लगता है इतनी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी एंड सिंगर एंड निकोलसन के हिसाब से ये जो फास्ट फूड लिपिड बाइलेयर होती है उसके पास प्रोटीन्स पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं और प्रोटीन की शक्ल में वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है दैट मीन्स प्रोटीन आइस बर्गस प्रोटीन आइस बर्गस इन द सी ऑफ लिपिड्स ये कभी पूछा जाता है क्वेश्चन यानी कि प्रोटीन आइसबर्गस इन द सी ऑफ लिपिड्स किसने दिया डेनल डेवसन ने दिया रॉबर्टसोन ने रॉबर्टसन ने दिया या सिंगर एंड निकॉलसन ने दिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऐसा किसने बोला ऐसा बोला सिंगर एंड निकॉलसन ने मतलब यह है कि प्रोटीन जो है वो आइस बर्गस की शक्ल में होते हैं वो सी ऑफ लिपिड्स में फ्लोट कर रहे होते हैं सो वी नो दैट द प्लाजा मेमरियन हैज ए फ्लूड इन नेचर सो फॉर एज ए सिंगर एंड निकोल्सनज मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेमरियन इज कंसर्न नाउ आई वुड लाइक टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फास्ट फोर लिपिड बाय लेयर इंटेग्रल एंड पेरीफिरल प्रोटीन्स एंड द गैको प्रोटीन्स एंड द गैको लिपिड्स और उसके बारे में उसके बाद उसको हम डिस्कस भी करेंगे सो लेट इज ड्रा द स्ट्रक्चर हियर दिस इज द फास्ट फोर लिपिड बाय लेयर और उसके बीच में प्रोटीन पाए जाते हैं जस्ट लाइक दिस इज द इंटीग्रल प्रोटीन एंड उसके बाद रेस्ट पोर्शन ऑफ द फॉस्फोलिपिड बायर रेस्ट पोर्शन इज लाइक दिस इसके बाद एक और प्रोटीन पाया जाता है इंटीग्रल प्रोटीन को हम ट्रांसमेंबर प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं So, must remember this is the rest portion of the phospholipid bilayer. Another protein here that may be like this the rest portion of the phospholipid bilayer i have discussed the phospholipid what is phospholipid actually it contains the head portion and the two tails head is called the hydrophilic and tails are the hydrophobic so the this is another phospho this uh, integral protein and then दिस इज़ दैस्ट पोर्शन ऑफ द फॉसफो लिपिड बाई और लिपिड्स को ऐसे अरेंज किया हुआ है कि उनके टेल्स एक दूसरे के नज़दीक है और उनके हेड्स दूर दूर पाए जाते हैं रीज़न यही है हेड्स जो है वो हाइड्रोफिलिक है वाटर की कंसनट्रेशन आउट आउटसाइड ऑफ द सेल भी बहुत ज़्यादा होती है और इंटीरियर ऑफ द सेल भी यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड की, की शक्ल में जिसको हम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और इंटीरियरली वी से दैट साइटोसोल ऑफ द सेल नाउ दिस इज द फास्ट लिपिड एंड दीज आर द इंटीग्रल प्रोटीनस द प्रोटीन्च गो थ्रू द फास्ट लिपिड यानी कि और लिपिड बाय लेयर के बाहर से भी हम देख सकते हैं इनको अंदर से भी देख सकते हैं यानी कि इनके बीच में इंटीग्रल प्रोटीन्स या एंट्रेंसिक प्रोटीन्स पाए जाते हैं और एक और प्रोटीन पाया जाता है कॉल्ड द पेरिफेरल प्रोटीन्स वो ज़्यादातर बाहर ही पाए जाते हैं प्लाज्मा के या तो वो प्रोटीन के साथ जुड़े हुए होते हैं एक्सटर्नली या तो ऐसी फॉस्फोलिपिड्स के साथ और अंदर से इनको एडहर किया हुआ होता है एक खास स्ट्रक्चर ने जो सेल के अंदर पाया जाता है कॉल्ड दे साइटोसिकल्टन साइटोसिकल्टन ऑफ दे सेल इसको बोलते हैं साइटोसिकल्टन यहां पे मैं पेरिफेरल प्रोटीन दिखाऊंगा ऐसे इसके साथ अटैचमेंट है यहाँ पे और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन की शक्ल में पाए जाते हैं यानी कि चेन ऑफ यूनिट्स ऑफ द ग्लूकोज विच कैन बी अटैच्ड विद द लिपिड्स एज वेल एज द प्रोटीन्स अगर ये प्रोटीन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं ये यूनिट्स इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं ग्लाइको प्रोटीन द यूनिट्स अटैच डि द प्रोटीन कार्ड द ग्लाइको प्रोटीन ऑन द अदर हैंड दर इज अनदर टाइप ऑफ दिस लिपिड दैट्स कॉल्ड द ग्लाइकोलिपिड, लिपिड यानी कि अटैचमेंट ऑफ शुगर यूनिट विद द विद द फॉस्फोलिपिड और हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड। सो इनका अरेंजमेंट यानी कि ये ज्यादातर बाहर से ही पाए जाते हैं सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच वाज़ गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। तो अब हम नाम मेंशन करेंगे यहाँ पे दिस इज द आउटर मीडियम ऑफ द सेल वी कैन सेव एक्स ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड एंड दिस इज द इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड इस अंदर वाले एनवायरमेंट को हम साइटो सोल के नाम से भी जानते हैं याद रखना और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो है ये जो फास्फोलिपिड्स है फॉस्फोलिपिड्स को फिल्यूडी नेचर बख्शा है सिटोरॉल इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल याद रखना इन फास्टफोलिपिड्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है जो इनको मेंटेन रखता है फिलुडी नेचर यानी कि ये ज़्यादा सॉलिडिफाई नहीं हो पाते हैं इसकी वजह से या तो ये ज़्यादा फिल्यूडी नहीं बनते हैं कोलेस्ट्रॉल की वजह से सो इट हैज़ अ फ्लूडी Nature, because I have told you uh, some minutes before that it is because of the phospholipid, the nature of the phospholipid is fluidy, and we say that it acts as a buffer. Now, I would like to mention the names the protein which is found on the external or internal, internally. द प्रोटीन इन द form ऑफ अ peripheral प्रोटीन दिस इज कॉल्ड द peripheral प्रोटीन Peripheral प्रोटीन इसको बोलते हैं peripheral प्रोटीन या इसका एक और नाम है इसका नाम है एक्सट्रेंजिक इसको एक्सट्रेंजिक प्रोटीन भी बोलते हैं एक्सट्रेंजिक प्रोटीन यानी कि वो प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है या तो अंदर पाया जाता है एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या तो बोलते हैं इसको इंटीग्रल प्रोटीन इसको बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रेंजिक इंट्रेनजिक प्रोटीन भी इसको बोलते हैं बेटा याद रखना और ये जो यहां पे दो लेयर्स पाए जाते हैं इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड बायलेयर बाइलेयर बायलेयर बाइलेयर इसका अरेंजमेंट वैसा ही है जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया कुछ मिनट्स पहले इसका हेड होता है बाहर की ओर और।, और उनके टेल्स जो है दो दो टेल्स वो एक दूसरे के नजदीक होते हैं बिकॉज टेल्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर नेचर दैन दिस दिस कार्बोहाइड्रेट विच इज एटैच द बाई ल इट इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड याद रखना फास्प लिपिड सी एटैचमेंट शुगर यूनिटन हूँ अत गको ग्लाइकोलिपिड फास्ट लिपिड्स एटेचड विद द ग्लूकोज यूनिट्स कॉल्ड द गाइको ऑन द अदर हैंड दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन इसको ग्लाइकोप्रोटीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन के साथ शुगर यूनिट्स का अटैचमेंट होता है याद रखना और ये जो यहाँ पे मैंने रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स दिखाए ये वाले इसको बोलते हैं साइटोसिकल्टन साइटो सिकेलटन ऑफ द सेल ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स और माइक्रोफिलाेंट्स की शक्ल में होते हैं इनको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे और यहाँ पे जो ये मैंने मेंशन किया है ये रेड मार्कर से इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल कोलेस्टेरॉल क्या बोला मैंने कोलेस्ट्रॉल के बारे में ये सिटीरॉल होता है फिर से बताऊँगा इट इज कैन से स्टीराइड और कोलेस्ट्रॉल जो है ये एक्ट करता है बफर मीन्स इट मेक्स दे फ्लूडी नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मेक्स फ्लूडी इट मेक्स फ्लूइडी नेचर ऑफ ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन याद रखना बेटा दीज अगेन आई रुख दिस इज द फास्ट दिस वी कैन सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड मोजिक मॉडल एंड एज पर देम There is a phospholipid bilayer, and uh, there are proteins in the form of integral proteins which go through the plasma membrane, and there are proteins which are found on either side of the plasma membrane called the peripheral proteins or the extrinsic proteins, and there are two kinds of the lipids. One is called uh, this two kinds of the carbohydrates, glycoprotein ki shakal mein, glycolipid ki shakal mein. और यहां पे मैं मेंशन करूँगा वो ये है कि ये जो ग्लाइको प्रोटीन्स होते हैं ग्लाइको प्रोटीन्स ग्लाइको प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल है ग्लाइको प्रोटीन्स रेस्पॉन्सिबल प्रोटीन्स जो है वो एक्ट करते हैं एज एंटीजन्स याद रखना ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोटीन एक्ट एज एंटीजें मतलब ये है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बाहर जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स जो है मॉडिफाई करते हैं अपने अपने आप को उसके बाद मेटीरियल जो है अंदर जाता है ग्लाइकोलिपिड्स एक्ट एज सेल सेल रिकॉग्निशन में याद रखना बेटा सेल सेल रिकॉग्निशन में मदद करता है ग्लाइको लिपिड अब जाके अगर हम बात करेंगे ये जो वाटर होता है अंदर या बाहर इसको ट्रांसपोर्ट होना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मगर इसको एलो नहीं करता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रीजन ये है कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर जो है दैट इज ऑल टुगेदर हाइड्रो इट इस टेल्स आर हाइड्रो फोबिक इन नेचर इनके गेप्स के थ्रू वाटर नहीं निकल सकता है सो वाटर की एंट्री या एग्जिट होता है प्रोटीनस के थ्रू तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सामने फ्ल्यूड मोजिक मॉडल जो है प्लाज्मा मेमरिन का आपके सामने रखा तो उस नाव आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दास्ट फूड एंड वट इज़ कोलेस्ट्रॉल यू नो there is a phospholipid bilayer and there are integral proteins <clears throat> there are extrinsic proteins and uh, as far as the integral pro peripheral proteins are concerned they are found on exterior or interior of the plasma membrane प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर या अंदर ये पेरिफेरल प्रोटीन्स हुआ करते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स हेयर दिस इज द पेरिफेरल प्रोटीन दिस आल्सो इंटीरियरली दीज आर द पेरिफेरल प्रोटीन्स दीज आर एंकर्ड आर दीज आर अटैच्ड विद द साइटोस्केलेटन ऑफ द सेल and then the trans membrane or integral proteins which are which are going through the phospholipid bilayer are found in the phospholipid bilayer नाउ दास्ट फो लिपिड्स यानी कि फास्ट जो है उसका मेन कॉन्स्टिडेंट क्या है ग्लिसरॉल याद रखना बेटा अब आप मैं आपको फास्ट का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाऊंगा और उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का भी फास्टफो इसके लिए जो बेसिक कॉन्स्टुंट है दैट इज द ग्लिसरॉल थ्री कार्बन कंपाउंड लाइक दिस थ्री कार्बन कंपाउंड है यहाँ पे तीन कार्बन के साथ तीन हाइड्रोक्सल ग्रुप्स अटैच होते हैं इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल के साथ दो फैटी एसिड्स अटैच होते हैं दो फैटी एसिड्स आर सी ओ ओ एच की शक्ल में ये डिफरेंट भी हो सकती है सिमिलर भी हो सकते हैं मैं लिखूँगा यहाँ पे डिफरेंट आर डेश सी ओ ओ एच और तीसरी तीसरा कार्बन जो है वहाँ पे हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ बांड करता है फास्फोरिक एसिड और फास्फोरिक एसिड एच एस थ्री पी ओ फोर इज़ द फास्फोरिक एसिड

इसका हाइड्रोक्सल ग्रुप इसके हाइड्रोजन से बाड करता है और बाहर निकलता है वाटर की शक्ल में यहाँ पे भी सिमिलर प्रोसेस और यहाँ पे भी सिमिलर प्रोसेस मगर ये फास्फोर जो है फास्फेट की शक्ल में ये अटैच हुआ होता है कोलीन के साथ सी एच थ्री सी एच टू एन सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच थ्री नाउ द न्यू स्ट्रक्चर इज़ लुकिंग लाइक दिस बिकॉज यहाँ पे तीन वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकलते हैं और यहाँ पे भी इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे यहाँ पे और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सल ग्रुप के साथ बाँट करके वाटर बाहर निकलता है सो द फाइनल स्ट्रक्चर इज़ हेयर फिर से बताऊंगा दिस इज द ग्लिसरॉल दिस इज़ वन फैटी एसिड सेकेंड फैटी एसिड फॉस्फोरिक एसिड फास्फेट की शक्ल में एंड दिस इज द कोलीन एंड इट इस अरेंजमेंट इज़ लाइक दिस फास्फेट जो है वो हेड बनाता है और यहाँ पे फैटी एसिड्स दो जो है या तो वो सिमिलर हो सकते हैं फैटी एसिड्स तब जाके वो नियर बाई पाए जाते हैं वो दो टेल्स की शक्ल में और ये जो है ये हेड कहलाता है ये हेड बनाता है फॉस्फेट बनाता है हेड यह हाइड्रो हाइड्रोफिलिक कहलाता है और ये जो दो टेल्स है ये हाइड्रोफोबिक फोबिक, हैडरो फोबिक, फोबिक। ये वाटर रिपेलिंग होते हैं याद रखना बेटा सो दिस इज द फास्ट फूड यहाँ पे कोलिन और फास्ट जो है वो हेड बनाता है और ये जो दो फैटी एसिड्स है ये टेल्स बनाते हैं अब यहां पे मैं बताऊंगा ये जो दो टेल्स है ये दो टेल्स एक दूसरे के साथ नज़दीक नज़दीक में होते हैं दैट मीनस ये जो फ़ैटी एसिड्स हैं उन फैटी एसिड्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के दरमियान एक और फॉस्फोलिपिड ऐसा पाया जाता है जिसकी लेग्स जो है इन द फॉर्म ऑफ टेल्स वो दूर दूर होते हैं क्योंकि यहाँ पे फैटी एसिड यहाँ पे मैंने बोला फैटी एसिड्स जो होते हैं फैटी एसिड्स उनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड पाया जाता है ये जो फैटी एसिड्स दूर दूर पाए जाते हैं यानी कि उनके टेल्स इस फास्फोलिपिड के टेल्स दूर दूर पाए जाते हैं इसका मतलब ये है कि इन दो के दरमियान जो ये ये जो फैटी एसिड्स इन में हैं फैटी एसिड्स, उनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है यानी कि ये अनसेचूरेट फैटी एसिड्स है ये सैचूरेटिड फैटी एसिड्स है सैचुरेट फैटी एसिड्स में टेल्स नज़दीक नज़दीक पाए जाते हैं और अनसेचूरेटेड फास्फोलिपिड के फैटी एसिड जो होते हैं उनमें टेल्स दूर दूर होते हैं <coughs> दिस वॉज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फास्टफोड लिपिड और फास्टफो लिपिड का मैंने बोला हैड जो है वो हाइड्रोफिलिक होता है वाटर लविंग ये और हाइड्रोफोबिक टेल्स होते हैं टेल्स एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक में होते हैं और हेड्स जो है वो दूर दूर होते हैं ये एक मेन रीज़न है उनके अरेंजमेंट का अब जाके मैं बताऊँगा यहाँ पर आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो मैंने बोला ये एक्ट करता है एज अ बफर यानी कि ये फ्लूडिटी को मेंटेन रखता है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है सिक्स कार्बन रिंग है इसके साथ दूसरी सिक्स कार्बन रिंग अटैच हुई होती है इसके ऊपर से सिक्स कार्बन है लाइक like दिस और ऐड में पेंटागनल रिंग पाए जाती है लाइक like दिस और अब जाके यहां पे कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे पाए जाते हैं तो यहां पे अगर हम क... यहां पे एक और कार्बन होता है यहां पे एक और कार्बन यहां पे डबल बाड और यहां पे हाइड्रोक्सल ग्रुप की शक्ल में पाया जाता है अगर हम कार्बन नंबर देंगे कोलेस्ट्रॉल में सी ट्वेंटी सेवन यानी कि कार्बन ट्वेंटी सेवन होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सेवन यानी कि ये वो कॉलेस्ट्रॉल है जो एक्ट करता है एज अ बफर और ये फिलुडिटी को मेंटेन रखता है सोफर इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कंसर्न और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं मेंशन हियर वन इज कॉल्ड द एंजाइम्स जो है ये एक्ट करते हैं एज अ बायो कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट ये काम करते हैं एज एंजाइम्स और यहाँ पे प्रोटीन्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ परमीज परमीज जो मदद करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में और यहाँ पे प्रोटीन्स पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैरियर प्रोटीन्स जो मदद करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आई थिंक मुझे लगता है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है जो भी मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में आपके सामने इन्फार्मेसन रखी और एक तो आपको समझ में आ गया और ये मुझे लगता है आपके लिए बेस्ट इंफॉमेशन होगी सो फॉर एज अलेवेंथ ट्वेल्थ आर नीट क्लास इज़ कंसर्न सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सिटी ब्लैसड अल्लाह हाफिज़